तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी आज की वीडियो में। और आज हम बनाएंगे मस्त सी, जबरदस्त सी, बच्चों की फेवरेट यम्मी मैक्रोनी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे स्टाइल में मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ले ली है 1 कप मैक्रोनी और इनको अच्छी तरह से धो के बॉईल कर लेंगे। तो इसको रख दूंगी मैं बॉईल करने के लिए और इसमें डाल जाएगा नमक। तो मैंने डाल दिया है ये नमक, ये हम 1 टेबलस्पून के लगभग तेल। ये तेल इसलिए डालना है ताकि हमारी मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं, खिली खिली बनेंगे। और हम इनको बॉईल कर लेंगे। हम इनको बॉईल तब तक करेंगे जब इनका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा ना बिल्कुल से, तब तक हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये हमारी मैक्रोनी पैन की तली से चिपक जाएगी। तो ये देखिए, 2-4 मिनट तक इनको पका लेंगे हम खूब अच्छी तरह, जब तक ये हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, हमारी मैक्रोनी हो गई है पक्के तैयार। ये देखिए, ये हो गया, इनका कलर हो गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब गैस की फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। अगर मैं ज़्यादा पकाऊंगी ना इनको तो ये हमारी मैक्रोनी टूट जाएंगी। फ्रेंड्स, मैंने निकाल ली है मैक्रोनी छलनी के अंदर और इनको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। लूँगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म होएगा तो मैंने ये अपनी चॉपिंग की सारी तैयारी कर रखी है। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल हो गया है गरम। अब डालूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन की क्वांटिटी रखी है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा। देखिए, लहसुन को 1-2 मिनट भून के अच्छी तरह से भून लूंगी। और अब आता है प्याज डालने का नंबर, तो मैं डाल दूंगी। मैंने ये 2 प्याज बारीक बारीक काट रखी हैं, तो मैं ये ऐड कर दूंगी, प्याज बारीक कटी हुई, और इनको पका लूंगी अच्छी तरह से। इनको भून लूंगी अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट के लिए। तो प्याज को भूनते हुए हो गए हैं मेरे को 2 से 3 मिनट, और हमारी प्याज हो गई है हल्की हल्की से ब्राउन, ये देखिए। तो हमारी प्याज हो गई है भून के रेडी। अब डालेंगे हमने अब डालूंगी मैं इसके अंदर टमाटर। ये 3 टमाटर काट लिए थे मैंने बारीक बारीक, और इनको डाल दूंगी प्याज के अंदर और इनको अच्छी तरह से पका लूंगी। टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं टमाटर को खूब अच्छी तरह से पका लूंगी। तो मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बिल्कुल सिम पे, और मैं ढक दूंगी कढ़ाई को ढक्कन के साथ। लिड लगा दी है मैंने और गैस की फ्लेम कर दी है बिल्कुल मंदी, और 2 मिनट के लिए ढक के पका लूंगी टमाटर को ताकि मेरे टमाटर हो जाएं बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक, तो हमारे टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट, ये देखिए। ढकने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर जो भी हमें मसाले ऐड करने हैं। तो मैं डालूंगी, मैंने 2 बारीक हरी मिर्च काट के रखी हुई है, मैं डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये इसमें जाएगा चिल्ली फ्लेक्स, ये मैंने डाल दिया चिल्ली फ्लेक्स। ये जाएगा ओरिगैनो, चाहो तो इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज कर सकते हो। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर अपने सारे मसाले जो भी मैंने डालने थे, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर भून के हो गए हैं बिल्कुल रेडी, ये देखिए। तो मसालों ने छोड़ दिया है ऑयल, तो इसका मतलब हमारे मसाले बनकर रेडी हैं। तो अब डाल दूंगी मैं इसमें टमाटो केचप,
और ये मेयोनीज है 2 टेबलस्पून के करीब, ये जाएगा इसमें मेयोनीज। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और इनको कर देंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स मसालों के साथ ही। तो फ्रेंड्स एक बार आप बना के देखिए ऐसे मैक्रोनी, तो बच्चों को तो ये खासकर बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों की तो फेवरेट है ही ये। और इनको कर देंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स, ये देखिए। और ये देखिए हमारे मसालों का टेक्सचर कितना यम्मी सा हो गया है, कितना क्रीमी सा हो गया, ये देखिए। तो हमारी मैक्रोनी मैं कर दूंगी खूब अच्छी तरह से मिक्स अपने मसालों के अंदर। तो देखिए झटपट हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स आप है ना एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए, बना के ज़रूर देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बच्चों को तो खासकर ये खूब ज़्यादा पसंद आएगी, ये देखिए। और देखने में भी कितनी यम्मी लग रही है, ये देखिए। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको कर लूंगी मिक्स। आप चाहो तो हरा धनिया स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालोगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और हमारी मैक्रोनी बनकर झटपट तैयार हो गई है, यम्मी सी क्रीमी सी, और खा के बच्चे तो हो जाएंगे इसको खुश। अगर आपके बच्चों को पसंद हो तो आप इसमें जो भी बच्चों को पसंद हो उसमें सब्जी का भी यूज कर सकते हैं। मैक्रोनी को और भी यम्मी बनाने के लिए मैं डाल दूंगी इसके अंदर चीज, ये देखिए, ये मैंने ग्रेटेड करके रखा हुआ था पहले ही, और इसको फिर मैं ढक दूंगी 1 मिनट के लिए। मैंने डाल दिया है लास्ट में इसके अंदर चीज़, इसको इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए और यम्मी बनाने के लिए। और मेरी गैस की फ्लेम है बिल्कुल सिम पे, और इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। 1 मिनट के बाद दिखाती हूँ फिर मैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारी मैक्रोनी को पकते हुए हैं, हो गए हैं लगभग 1 मिनट के लगभग, और ये देखिए गैस की फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ, और ये देखिए हमारी मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए वाह। तो फ्रेंड हमारी चीजी क्रीमी मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए कलरफुल सी दिख रही है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।